हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DCCNC, जिसका पूरा नाम है डिटेक्टिव कॉर्पोरेशन कंप्यूटर नेटवर्क सेंटर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है रूटिंग एंड्रॉयड फोन, यानी कि एंड्रॉयड फोन को रूट करना। तो कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने कईयों ने मुझे कहा है कि मतलब कि सर आप बताओ, फोन को रूट अगर कर दे तो उससे हमारा फोन सेफ रहेगा या नहीं। तो इस हिसाब से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि फोन रूट करने से क्या हो सकता है और क्या फायदे हैं, और फोन अगर हम रूट नहीं करते हैं तो उससे क्या हो सकता है और उसका क्या फायदा हो सकता है। तो फोन रूट करने के फायदे और नुकसान ये मैं आज आपकी इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं, पहले हम जान लेते हैं कि फोन जो रूट है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज रूटिंग, यानी कि फोन रूटिंग क्या होती है। तो जब हम एंड्रॉयड फोन या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, रन करते हैं या चलाते हैं, तो कोई भी मैन्युफैक्चर या मतलब डिवाइस में हर एक जगह आप पूरी तरह से एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो उसे अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसे रूटिंग कहते हैं। मतलब कि अगर कंप्यूटर के हिसाब से मैं कहूँ तो मैं आपको ये अपना कंप्यूटर दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि जो मेरे कंप्यूटर में फाइलें बनी हुई है, तो ये है लोकल डिस्क सी, जिसमें आप देख सकते हो कि विंडो, ज्यादातर जो कंप्यूटर चलाते हैं उन सभी को पता होगा कि विंडोज क्या होती है, और जो विंडो का ये फोल्डर है ये सी ड्राइव में ही पाया जाता है। और इसमें जो ये ग्रे कलर की फाइलें आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये हिडन फाइल्स है, यानी कि ये छुपी हुई फाइल है, जो फाइल रूट के बिना मैं इस फाइल को नहीं चला सकता। तो ये कंप्यूटर तो मोस्टली रूटेबल ही होते हैं, तो इसीलिए अपने एंड्रॉयड फोन को हम अगर रूट करते हैं तो उसके भी जो सिस्टम फाइल्स है या विंडोज की जो फाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल है, उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि उसे हम चला सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा फोन में अगर हम रूट करते हैं तो उसमें कोई भी डैमेज वगैरह हो सकता है, सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं, कोई भी लॉक वगैरह, रिमूविंग ऐप इंस्टॉल्ड जो है वो आप अपनी आसानी से, मतलब जो फोन में इंस्टॉल्ड ऐप होते हैं वो अपने मर्जी से आप रिमूव कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि बाय डिफॉल्ट कैमरा होता है, कैमरा भी एक एप्लीकेशन ही होती है जो आप अपने फोन में चलाते हो। तो जो फोन में कैमरे की एप्लीकेशन है उसके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई और कैमरे वाली एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो, और वो जो पहले से कम फोन में है वो भी आप रिमूव करके उसकी जगह कोई भी डाल सकते हो। तो सारे के सारे और लिमिटेड वगैरह, सारा का सारा फुल एक्सेस ग्रांटेड वगैरह, आपको मतलब पूरा कंट्रोल मिल जाता है फोन में। पर अगर एक बार फोन रूट हो जाए तो जो भी कंट्रोल है वगैरह सारा फोन में आपको पूरा एक्सेस ग्रांटेड तो मिल जाता है, जो भी लिमिट होती है परफॉर्मेंस की वगैरह, जो भी सारा कुछ लिमिटेड जो कहा जाता है कंपनियों की तरफ से, जो आपको लिमिटेड ऑप्शन मिलती है वो आप पूरी अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो अपने फोन में। तो पूरे तरीके से आप चला सकते हो, पर मेरी बात को ध्यान से सुनना क्योंकि अभी तो मुश्किल हिस्सा आगे आने वाला है। क्योंकि अगर हम सारा का सारा फोन रूट कर ले, रूट करने के बाद जो डिसएडवांटेज यानी कि जो नुकसान है वो आपको क्या झेलने पड़ सकते हैं, तो पहले नंबर पे तो वारंटी खत्म हो जाएगी। जो भी आपका फोन अंडर वारंटी होगा वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी रिस्क है फोन में, ब्रेक रिस्क कम्प्लीटली अनसेव हो जाएगा, यानी कि आपका फोन में कोई भी डैमेज अचानक से हो सकती है, कोई एप्लीकेशन गायब हो सकती है, आपके फोन कॉन्टेंट्स
वगैरह लिखे हुए या कोई भी डाटा, पिक्चर्स, वीडियो कंटेंट या कुछ भी इरेज हो सकता है अपने आप, कुछ भी खराब हो सकता है। तो ये मेन पहले ये रिस्क आएंगे। उसके बाद जो भी आपके फोन कंटेंट के वगैरह डाटा लूज, जो मेक पेमेंट वगैरह, जो आप अपने फोन के जरिए आप पेमेंट्स वगैरह करते हो या कुछ, और इसमें लिखा नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फोन में गूगल पे, पेटीएम या कोई भी पेमेंट की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हो, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सेव करके रखी हुई है, अपने पासवर्ड रखे हुए है, कोई मेल आईडीज वगैरह अपनी या सीक्रेट्स लिख कर रखी हुई है या कुछ भी रखा हुआ है, वो सारा का सारा एक्सेस हैकर्स को मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेज ही है। तो उसके बाद जो परफॉर्मेंस है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस तो मिल जाएगा परफॉर्मेंस का, पर परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे आपका फोन जल्दी गर्म हो सकता है, स्लो हो सकता है, या आपको वो पहले वाली बात ना मिले फोन में जो आपको बिना रूट के मिलती है। तो उसके बाद जो वायरस है, अनलिमिटेड वायरस आ सकता है। वायरस का कोई भी मतलब जो प्रोटेक्शन है, रिस्क है, सिक्योरिटी ऑप्शंस होती है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप अपने फोन में कोई भी एंटीवायरस भी डालोगे ना, तब वो भी काम नहीं करेगा। तो एडवांटेज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो आप स्पेशल एप्स वगैरह जो फोन में होते हैं पहले से, वो सारे के सारे आप रिमूव कर सकते हो, जैसे जीमेल, मैसेज, टॉक गैलरी वगैरह, इसे डिलीट करके आप अपनी मर्जी से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। प्री इंस्टॉल्ड ऐप वगैरह आप रिमूव कर सकते हो, स्पेशल ऐप आप रन कर सकते हो, पूरा फ्री मेमोरी आपको पूरी कंट्रोल मिल जाएगी। कस्टम फोन परफॉर्मेंस जो है, जो प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह, चेंज लुक फील वगैरह आपको चेंज होगा, दिखाई देगा। स्टार्टिंग में आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, पर धीरे धीरे जो फोन की लाइफ है ना, वो खराब हो जाएगी, क्योंकि ये फोन रूट करने के बाद तकरीबन एक दो हफ्ते या कुछ हफ्ते ही सिर्फ स्टार्टिंग में आपको अच्छा दिखाई देगा। उसके बाद मतलब कि ज्यादा से ज्यादा दो हफ्ते शायद अच्छा से चलेगा, पर उसके बाद परफॉर्मेंस बिल्कुल गिर जाएगी, तो आप फिर दोबारा उसे पहले वाली कंडीशन में लेकर नहीं आ पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ एक आगे जाने का रास्ता है, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है फोन रूट में। तो इसके अलावा एक्सटेंड फोन लाइफ रूटिंग अलाउ करती है, इंस्टॉल कर सकते हैं कस्टम रोम्स, ये तो पहले ही आपको सारा कुछ बता ही चुका हूं मैं। तो आप कोई भी अगर फोन में लॉक लग जाता है वगैरह, या कंपनी से जैसे खुलवाते हो फोन में या कुछ भी, तो वो सारे का सारा एक तरह से इलीगल हो जाएगा, मतलब कि आप फिर इलीगल तरीके से ही आपने फोन को अनलॉक करवा सकते हो, लीगल तरीके से आप अपने फोन को अनलॉकिंग नहीं करवा पाओगे। जो अगर आज के फोन में लॉक लग जाते हैं तो वो खुलते नहीं है, आप पासवर्ड भूल जाते हो या मेल आईडीज वगैरह नहीं पता रहती है, पासवर्ड नहीं पता रहता है, तो आपके फोन में जब लॉक लग जाता है तो वो आप किसी भी कंपनी में लीगल तरीके से खुलवा सकते हो बिना रूट के। पर अगर फोन रूट हो जाए तो आप किसी भी कंपनी में जाकर आसानी से ये फोन लीगल अनरूट ने मतलब लीगली अनलॉकिंग नहीं करवा सकते हो। फिर आपको जो लोकल फोन के रिपेयर्स वगैरह बैठे हुए होते हैं उनसे जाकर आपको करवाना पड़ेगा, शायद वो आपसे पैसे ज्यादा भी ले सकते हैं फोन अनलॉक करने के, या फिर कई तो अनलॉक कराने के केस में आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे कि ये फोन आपने चोरी का तो नहीं लिया है, किसी से सेकंड हैंड लिया है, किसी का चुराया है, तो इस हिसाब से आपको कई मतलब मुसीबतों का सामना कर सकता है। तो सबसे ज्यादा और सबसे मुश्किल प्रॉब्लम जो है वो है हैकर्स की। अगर आप कोई अपने फोन में हैकिंग करते हो या हैकिंग वाले ऐप डालते हो, आजकल तो काफी मतलब पबजी का चल रहा है, पबजी मतलब गेम्स वगैरह चला रहे हैं, कई पबजी गेम चलाने के लिए फोन को अनरूट कर रूट करवा रहे हैं, तो पबजी गेम
गेम खेलने के लिए कोई भी आप फोन को अगर रूट करवाते हो तो सबसे पहले तो आप हैक की हुई गेम को डालोगे, और हैक करने के बाद अगर आप अपनी गेम में डालते हो तो जो हैकर्स ने गेम को हैक करके आपको दिया है तो उन हैकर के पास, मतलब उन सभी हैकर्स के पास उन सभी गेम्स में एक बग होता है। बग का मतलब कि एक साइड इफेक्ट होता है जो आप, मतलब गेम तो मिल जाएगी आपको हैकिंग वाली, पूरा का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा आपको, पूरा लाइफ हैक मिल जाएगा, पूरा का पूरा पबजी गेम के हैकिंग मिल जाएगी, पूरी गेम आप हैक करके आसानी से गेम को खेल तो पाओगे। पर जो आपने गेम हैकिंग वाली इंटरनेट से इंस्टॉल की है या गेम को हैकिंग वाली अपनी रूट करवाकर अपने फ़ोन में जो चलाया है, तो वो सारी की सारी हैकिंग जो करते हैं हैकर्स, वो इसीलिए हैक करते हैं और फ्री में इसीलिए आपको देते हैं क्योंकि उसमें एक छोटी सी बग होती है। बग यानी कि एक ऐसी कमी होती है, मतलब ऐसा वायरस होता है जिससे वो गेम तो आप चला पाओगे पर आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल उस हैकर के पास चला जाएगा जो हैकर आपको वो गेम दे रहा है या जिस भी साइट से आपने वो गेम ली है, उस साइट में जिस हैकर ने वो गेम डाली है उस हैकर के पास पूरा का पूरा एक्सेस और कंट्रोल आपके फोन का चला जाएगा। और वो हैकर चाहे तो आपके फोन में पूरा का पूरा छान कर, मतलब पूरा देख कर पूरे की पूरी जानकारी आपके फ़ोन की ले सकता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में आपके फ़ोन के बारे में पता चल जाएगा उसको, और पूरा का पूरा कंट्रोल उसका, मतलब उसको आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। जिससे क्या होगा कि अगर आप कोई भी पैसे ट्रांजैक्शन अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी या कुछ भी आपने फ़ोन में रखा हुआ है वो सारा का सारा उसके पास चला जाएगा। अगर आप पैसे पे कर रहे हो, क्योंकि आजकल तो है पता ही है आप इंटरनेट से ही सारा कुछ पे होता है, गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन का ज़माना है, सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो वो सारा का सारा एक्सेस उस हैकर के पास चला जाएगा जहां से आपने ये गेम ओरिजिनली, जहां से आपने ये गेम ली है। हालांकि आप कहोगे कि मैंने तो अपने दोस्त से ली है, तो उसने कहां से ली, उसने अपने दोस्त से ली होगी, तो उसने कहां से ली, उसने शायद इंटरनेट से ली हो या उसने भी अपने दोस्त से ली हो, और जो दोस्त ने मतलब उसे दी है शायद उसने इंटरनेट से की हो डाउनलोड, मतलब घुमा फिरा कर जिसने भी आपको दी है गेम तो वो कहीं ना कहीं से इंटरनेट से ही आई है। तो इंटरनेट पे जो भी गेम आपको रूट की हुई मिलती है, हैक की हुई मिलती है, पूरा एक्सेस कंट्रोल की हुई मिलती है, तो वो सारे हैकर्स डालते हैं ताकि उनको आपके फोन का पूरा कंट्रोल मिल सके फ्री में। इसीलिए आपको सारी गेम्स फ्री में हैक की हुई मिल जाती है। तो मैं आज आपको बस यही समझा रहा था कि फ़ोन रूट करने में आपको क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फ़ायदे तो है पर साथ में नुकसान भी है, पर अगर आप फ़ायदे देखोगे तो आप नुकसान भूल जाओ, अगर आप नुकसान देख रहे हो तो आप फ़ायदे भूल जाओ। तो इसीलिए आज ये एक तरफा रास्ता है, दोनों आप चुन नहीं सकते हो। आपको ना तो है आपको फ़ायदे मिलेंगे अच्छे से और ना ही आपके नुकसान ख़त्म होंगे रूट करने से। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से दिखा देता हूँ लास्ट कि फ़ोन रूटिंग के बारे में एडवांटेज, ये देखो इंस्टॉल किया हुआ है, प्री इंस्टॉल ऐप वगैरह, डिसएडवांटेज, फ़ोन डैमेज वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह जो भी है, मोटिवेशन हायर, वायरस वगैरह, पोलिवरेशन, मतलब के मतलब आपका फ़ोन काफ़ी मतलब डैमेज वगैरह हो सकता है पर फ़ायदे भी है। पर अगर आप ये फ़ायदे लोगे तो आपको नुकसान भी साथ में मिलेंगे। तो फ़ोन रूट अगर करवाना है, फ़ायदे लेने हैं, तो नुकसान भी साथ में फ्री मिलेंगे। तो इसीलिए आप ये मत सोचना मत कि अगर हम फ़ोन को रूट कर रहे हैं तो सिर्फ फ़ायदे मिलेंगे, उसके साथ आपको नुकसान भी आएंगे। तो इसीलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ आया अच्छे से या कुछ भी आपने पूछना है
तो मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मेल आईडी दी है मैंने, मेल कीजिए, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरी आईडी और कॉन्टैक्ट्स, नहीं तो आप कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप ऐसी ही कुछ और जानकारी लेना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट कीजिए, टॉपिक के बारे में बताइए कि कौन से टॉपिक पर आप ऐसी वीडियो लेना चाहते हो, तो इस हिसाब से मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो भी इंटरनेट पर अवेलेबल है या इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं पर मैंने खुद फोन पे आजमाई है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। और अगर है आपको वीडियो जो अच्छी लगे, पसंद आए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।